जाऊं कितने पौने हैं ये छोटे 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 हाथ, कितने सोने गुड्डे, ये तो बहुत प्यारे हैं। कसम से मैं तो इनकी जुदाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, फिर आ जाएंगे। और तुम्हारे अपना पोते पोती भी तो प्यारे हैं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, पोता पोती में भी मेरी जान है, लेकिन मेरी मरहूमा अम्मा तुम्हारी नानी कहा करती थी कि नवासे नवासी की तो बात ही अलग होती है, बेटी की औलाद होती है ना जान से प्यारी होती है। अल्लाह मुझे तो लग रहा है ये चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा तो घर ही सूना हो जाएगा इनके बगैर। ये जुदाई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कसम से। अब क्या करें अम्मा, जुदाई तो होनी है। जरबाब इन्हें आज लेने आ जाएगा, मगर वक्ती जुदाई है, फिर आ जाएगी किरण। अच्छा मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ दिनों के लिए इसके साथ इसके घर चली जाऊँ। अम्मा क्यों जाओगी, अभी इतनी मुश्किल से सारे मसले हल हुए। तेरी तो अकल ना गिट्टों में। अरे छोड़ो ना अम्मा, बस नहीं जाओगी तुम वहाँ। क्यों नहीं जाऊंगी, तू कौन होता है मुझे मना करने वाला, बाप लगता है तू मेरा, मैं जाऊंगी, मेरी बेटी का ससुराल है। अम्मा तुम हर बात पे लड़ने लग जाती हो, तुमने देखा नहीं था उनका रवैया, अस्पताल में भी वो लोग काफी नाराज थे, तुम खामखा में बात और बिगाड़ दोगी। ठीक ही कह रहे हैं, वैसे भी जरबाब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, आज शाम तक आएंगे। मना कर देती उसे, एक दो दिन मेरे पास रहती आराम करती फिर चली जाती, कल ही तो हॉस्पिटल से आई है ये। जाने दो अम्मा इसे, अब वही इसका घर है। वो तो ठीक है लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ कि चंद दिन रहती मैं इसकी खिदमत कर देती फिर चली जाती अपने घर। वो तो ठीक है लेकिन अब जरबाब नहीं मानेंगे ना, उन्होंने कहा वो आज मुझे लेने आएंगे, वो तो इतने एक्साइटेड हैं बच्चों से मिलने के लिए, मरे जा रहे हैं। अल्लाह होना भी चाहिए, औलाद चीज ही ऐसी है। इतने खुश हैं कि उन्होंने तो बच्चों के कमरे बनवा लिए नए, मेरे लिए एक नया सोने का सेट बनवाया है, बता रहे थे मुझे। अल्लाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया कसम से, अच्छी बात है। हलीमा तुम जाके किरण की पैकिंग करो बेटा। जी अम्मा, ये देखना मेरी गुड़िया को कितनी प्यारी है ना। चांद सा चेहरा है माशाल्लाह, अल्लाह इसके नसीब अच्छे पे। आमीन आमीन आमीन। वैसे किरण ये दोनों ना अपनी फुफुओं पे गए। क्या हो गया तुम्हें हलीमा, बस कर दे, आंखें ये बटन है तुम्हें सही से दिखता नहीं है। हूबहू हमारे जैसे हैं ये बच्चे, ये बच्ची ये तो बिल्कुल किरण जैसी है। किरण बचपन में ऐसी थी, इतनी प्यारी गोरी चिट्टी, और ये मेरे मरहूम वालिद साहब जैसा है, ये देखो ना। अल्लाह बिल्कुल ठीक कह रही है, ये दोनों बच्चे तो बिल्कुल हम पर गए हैं। पता नहीं भाभी की तो लगता है नजरें खराब हैं, जो इन्हें फुप्पो जैसे लग रहे हैं ये बच्चे। कख नहीं पता इसको। क्या अब आपने क्यों मुंह बना लिया, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं बस इनकी फुप्पे दोनों बहुत प्यारी हैं। बस कर दे तारीफ में। अच्छा ये बताओ इनके नाम क्या रखने हैं, कुछ सोचा है या जरबाब के घर वाले सोचेंगे? अरे क्यों जरबाब के घर वाले सोचेंगे, हम सोचेंगे, हमारा हक है पहला। इसका नाम तो मैं रखूंगी आहद, और इस गुड़िया का नाम मैं रखूंगी कश्यप, बहुत प्यारे नाम है। अम्मा नाम तो बहुत अच्छे हैं, मगर एक बार उनसे पूछ लो। कोई जरूरत नहीं है पूछने की, आराम से बैठ, रख दिए मैंने नाम तो रख दिए, पत्थर पे लकीर यही नाम है। बस ठीक है जो अम्मा ने कह दिया वही होगा। हाँ जाओ ना आप, जाके पैकिंग कर दो, बोला तो है अम्मा ने, खड़ी हुई बातें सुन रही है, जाओ। जा रही। तुमने सर पे चढ़ाया हुआ इसको और कुछ नहीं,